आधारित फिल्म घासीराम कोतवाल से की थी। साल 1980 में रिलीज फिल्म आक्रोश ओमपुरी के सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अभिनेता रजा मुराद ने कहा है कि बॉलीवुड के लिए ये एक ऐसी क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति है, वे मेरे गहरे दोस्तों में से एक थे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि वे हर तरह के किरदार निभाने में सक्षम थे। ओमपुरी के निधन की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी ने पुरी के निधन पर शोक जताया है और उनके थिएटर और फिल्मों को याद किया है। आज की बड़ी खबर है, अभिनेता ओम पुरी हमारे बीच नहीं रहे, हार्ट अटैक से उनकी आज मौत हो गई है। निधन हो गया है अभिनेता ओम पुरी का, दिल का दौरा तड़के उन्हें पड़ा है और उसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें मुंबई में ली है। 66 साल की उम्र में बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी का निधन हो गया है। अब बस उनकी यादें हमारे बीच हैं। कई हिट फिल्में उन्होंने दी है। फिल्म घासीराम कोतवाल से अपने फिल्मी करियर की सफर की शुरुआत अभिनेता ओम पुरी ने की थी। 66 साल की उम्र में ओम पुरी का निधन हुआ है। 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में जन्मे थे बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी। पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। थिएटर एक्टर थे मूल रूप से ओम पुरी, अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। कई स्टूडेंट्स को इन्होंने अभिनय की शिक्षा भी दी अपने थिएटर ग्रुप मजमा से। आक्रोश इनके फिल्मी सफर की एक पहली हिट फिल्म थी।